कि अगर मशीन को टेम्परिंग की जा सकती है तो मशीन टेम्परिंग हो सकती है। जब मेरी घड़ी मेरे अकॉर्डिंग चल सकती है, मेरे अलार्म मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है, तो ये मशीन क्यों नहीं चल सकती? चल सकती है। ईवीएम बनाने का काम किया था उस देश में, ईवीएम को खत्म कर दिया गया है, तो कैसे पता लग जाता है इनका बीजेपी के नेताओं को? अब ईवीएम की गिनती करना चाहते हैं तो वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए, जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। ये कास्टलेस देश होना चाहिए, ये संविधान से देश चलना चाहिए। जब संविधान बना तो सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब सब व्यापार कर सकते हैं, सब सबकी सेवा कर सकते हैं। संविधान देता है गारंटी सबको। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहन कुमारी मायावती ने करा है, ऐसा कोई शासन आज तक नहीं किया गया। जहाँ पर गुंडे थर्राते थे जेलों में जाने का काम करते थे, यह बहन कुमारी मायावती। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चरण सिंह प्रधान बन सकते थे, तो बहन कुमारी मायावती क्यों प्रधानमंत्री बन सकते? बैलेंस ऑफ पावर बनेंगी बहन कुमारी मायावती, बिना बहन कुमारी मायावती से देश में सरकार नहीं बनेगी। एडवोकेट जो है देश की आजादी में बड़ा काम है उनका, आज भी देश की दूसरी आजादी है, देश की आजादी उन लोगों से लेना चाहते हैं जो वोटों को छीन रहे हैं, वोटों को चुराने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए संस्था है, अगर देश में कुछ गलत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को स्यू मोटो लेना चाहिए, सारी कोर्टों को स्यू मोटो लेना चाहिए। अगर न्याय पद्धति कहाँ पर चलती है? सुप्रीम कोर्ट पर चलती है। तो अगर देश के लोग, देश की पढ़े लिखे एडवोकेट्स अगर सड़कों पर हैं, अगर वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मशीन को टेम्परिंग की जा सकती है तो मशीन टेम्परिंग हो सकती है, जब मेरी घड़ी मेरे अकॉर्डिंग चल सकती है, मेरे अलार्म मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है, तो ये मशीन क्यों नहीं चल सकती? चल सकती है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जिस देश में ईवीएम बनाने का काम किया था उस देश में ईवीएम को खत्म कर दिया गया है, तो कैसे पता लग जाता है इनका बीजेपी के नेताओं को? कैसे पता लगता है इनको? डेट आ जाती है पहले ही, डेट कैसे पता लग जाती है इनको बताइए? तो दोनों मिले हुए हैं आपस में, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है और ये भी मिले हुए हैं, तो इसलिए देश के लोगों की जो वोटों को चुराया जा रहा है, चोरी की जा रही है उनकी वोटों। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है, वकील लोग तमाम वकील है मार्च कर रहे हैं, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों नहीं पुख्ता ढंग से उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल वहाँ भी उठा रहे हैं, वहाँ भी उठा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक की बात कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में ही बात हो रही है, सड़क पे ही बात हो रही है, संसद में ही बात हो रही है। देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश को सुरक्षित हाथों में लाने के लिए ये जंग है, ये देश लोगों का है। जब लोग ही यहाँ पर भुखमरे रहेंगे, लोग ही यहाँ पर बेकार रहेंगे, लोग ही बेरोजगार रहेंगे, तो देश में क्या करेंगे बताइए? क्या करना? केवल एक चीज, धर्म से थोड़ी देश चलेगा, देश भारत के संविधान से चलेगा। हमको भारत के संविधान गारंटी देता है, जितनी भी नौकरियां हैं या पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस ये सब खड़े हैं, ये संविधान की कसम खाते हैं, जितने मिनिस्टर हैं संविधान की कसम खाते हैं, प्रधानमंत्री संविधान की कसम खाते हैं, राष्ट्रपति संविधान की कसम खाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान की कसम खाते हैं, और जिसकी कसम खाते हैं उसको ही खत्म करना चाहते हैं। तो भैया ये समझना पड़ेगा, जब आपकी वोट आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, जहां आप डालना चाहते हैं वहां नहीं जा रही है, मशीन में प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो क्या ये आपकी वोटों को चुराने वाली बात नहीं है? अगर वीवीपैट की व्यवस्था है तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होती है? वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अब ईवीएम की गिनती करना चाहते हैं तो वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए, जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इंडिया में डिजिटल मशीन है, क्या डिजिटल है? लेके हम क्या पिछले 50 साल पीछे जाएंगे भैया? ये तो कैशलेस इंडिया भी बनाना चाहते थे, जब नोटबंदी करी थी तो कैशलेस इंडिया भी बनाना चाहते थे, कैशलेस इंडिया चल रही है, कोई करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहता था, जो करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं जेल में पड़े हैं वो लोग, ठीक है, जो कैशलेस कर रहे थे वो कैसो के आदमान कर रहे थे। ये कास्टलेस देश होना चाहिए, ये संविधान से देश चलना चाहिए, यहाँ लोग सब लोगों का अधिकार है। जब लोगों को मौका मिला तो लोगों ने क्या बनाया? ऐसा संविधान बनाया, एक समाज पढ़ सकता है, एक समाज लड़ सकता है, एक समाज व्यापार कर सकता है, और सब सबकी सेवा करेंगे। जब संविधान बना तो सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब सब व्यापार कर सकते हैं, सब सबकी सेवा कर सकते हैं। संविधान देता है गारंटी सबको, छोटे से छोटे व्यक्ति को संविधान गारंटी देता है। संविधान बोलने के लिए नहीं चल रहा, संविधान के अकॉर्डिंग देश नहीं चल रहा। लोगों, संविधान में लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये सब लोग, हम जो जितने भी लोग हैं, हम जनता के नौकर हैं। तो इसी पावरफुल के कारण तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बिल ये तो अधिकार है ना मेरा, मेरा अधिकार है कि संविधान का, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन ये है कि जब ज्यादातर लोग किसी व्यवस्था पर अगर कोई डाउट पैदा कर रहे हैं तो उसकी बात को सरकार को सुनना चाहिए, संस्थाओं को सुनना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। ये ज्यादा लोग हैं, एक भी व्यक्ति अगर सवाल उठाता है तो उसका जवाब देना चाहिए सरकार को। तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा? होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? चुनाव तो चुनाव आयोग करवाता, सरकार का क्या है इसमें बताइए ना सर। भैया आप सरकार को घेर रहे हैं चौतरफा, सरकार को डेट कैसे पता लग जाती है? सरकार को इलेक्शन कमीशन के अनाउंस करने से पहले डेट कैसे पता लग जाती है?
सीट कैसे बदल जाती है, इतनी सीट आने वाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है ना, एंटीना से कहीं कुछ ऊपर से बात तो नहीं आ रही कहीं से, भरोसा सब है। ऐसा भरोसा देते हैं, दिमाग से बता देते हैं, बहुत दिन रात काम करते हैं आप लोग, एसी में रहते हैं। अब यहाँ एसी तो चल रहा है, सब सारे पुलिस वाले खड़े हैं, हम खड़े हैं एसी में तो खड़े सारे लोग, वो सब रहते हैं। सर मायावती ने ऐलान किया है कि हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, प्रॉब्लम क्या है अकेले लड़ने में? पहले नहीं लड़ा, 2006 में 2007 में चुनाव लड़ा, पूर्व की सरकार हुई, 2007 से लेकर 2012 तक कितनी सरकार, कितनी अच्छी सरकार बनी, जीरो बैलेंस पर एडमिशन होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहन कुमारी मायावती ने करा है, ऐसा कोई शासन आज तक नहीं किया गया, जहां पर गुंडे थर्राते थे जेलों में जाने का काम करते थे, यह बहन कुमारी मायावती। अगर अकेला चुनाव लड़ना चाहते हैं 85% वोट लड़ सकते हैं, यहाँ वोट से राजा बनता है ना, एग्जाम देके तो राजा नहीं बनता, एग्जाम देके तो पीएम नहीं बनता, एग्जाम देके तो कोई सीएम नहीं बनता। एक ही दो लोकसभा चुनाव सीट लेके आ पाई, बाकी तो निपट गई। देखिए सीट आना जाना लगा रहता है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लोकतंत्र में एक बार हार जाएगा, कांग्रेस भी हारी है, बीजेपी भी हारी है, सब लोग तो हारे हैं ना, अगर बहुजन समाज पार्टी आगे क्या प्रॉब्लम होगी, जीतेगी फिर दोबारा जीतेगी। 13% वोट लेकर के क्या मायावती सरकार बना लेंगी? बिल्कुल सरकार बना लेंगी, क्यों नहीं बना लेंगी, बैलेंस ऑफ पावर तो बनी सकती है, जब छोटी सी पार्टी प्रधानमंत्री बन सकती है, बताइए देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चरण सिंह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बहन कुमारी मायावती क्यों प्रधानमंत्री बन सकती, और लोग क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? गठबंधन के खिलाफ कितनी मजबूती से प्रधानमंत्री वो चुनाव लड़ेंगी बहन मायावती? पूरी मजबूती से लड़ेंगे, अब बहुजन समाज फुटबॉल नहीं बनना चाहता, ये दोनों प्लेयर है, हमें फुटबॉल समझते हैं। कौन प्लेयर है भैया? बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्लेयर का काम करते हैं, हमें फुटबॉल समझते हैं, एक लात मारता है तो उधर चली जाती है गेंद, एक मारता तो इधर चली जाती है, फुटबॉल का काम करते रहेंगे ना, अब हम भी प्लेयर हैं, हम लड़ेंगे, अपना वजूद पैदा करेंगे, अपने घर को मजबूत करेंगे, सबको करना चाहिए, सबको अधिकार है, और जो अपने घर को मजबूत नहीं करता फिर वो समझ लीजिए उनका क्या होने वाला। लोकसभा चुनाव में बहन मायावती जी क्या देखती हैं, क्या देखती हैं? बैलेंस ऑफ पावर बनेंगी बहन कुमारी मायावती, बिना बहन कुमारी मायावती से देश में सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल निश्चित कर लिया है, उनके लोगों ने निश्चित कर लिया है, बहुजन समाज ने निश्चित कर लिया है कि हम आज तक जो वोट देते आए हैं अपनी वोट को बर्बाद नहीं करेंगे, अब अपनी वोट को अपने घर को मजबूत करने के लिए प्रयोग करेंगे। लगातार अफवाहें फैली रहती है कि इंडिया गठबंधन, अफवाहें तो होती रहती है, बहुत सारी अफवाहें आती है, अफवाहों पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, मीडिया के लोगों को सत्य जो है, जो सच्चाई है, फैक्ट्स पे करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। सत्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट है, सबसे ज्यादा वोट है देश के अंदर, इतनी वोट कहीं भी नहीं है।